जब विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा दिया था तब सौरव गांगुली का ऐसा कहना था कि बीसीसीआई ने विराट से ऐसा करने के लिए सोच विचार करने को कहा था। हालांकि विराट कोहली ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से पहले कॉन्फ्रेंस में गांगुली के स्टेटमेंट पर पलटवार कर दिया था। लेकिन अब सौरव गांगुली ने विराट कोहली के इस फैसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा बयान भी कोहली की कैप्टेंसी को लेकर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पहली बार विराट कोहली के द्वारा टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने को लेकर बड़ी चुप्पी तोड़ी है। सौरव गांगुली ने कहा है कि विराट कोहली पर किसी भी तरह का कोई दबाव कप्तानी छोड़ने को लेकर नहीं बनाया गया था और उन्होंने खुद टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ी। आपको बता दें कि विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पहले कहा था कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वनडे टीम की कमान नहीं दी गई थी और फिर उन्होंने इस दौरे पर खेले गए टेस्ट सीरीज के बाद ही टेस्ट टीम की भी कप्तानी छोड़ दी थी। कोहली ने जिस वक्त टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ी थी उस वक्त सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष थे। गांगुली ने बताया कि बीसीसीआई इस बात के लिए तैयार नहीं था कि कोहली टेस्ट कप्तानी छोड़ देंगे। गांगुली ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोहली ने किस वजह से कप्तानी छोड़ी थी और इसका कारण सिर्फ वही बता सकते हैं। कोहली के अचानक कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा कप्तानी के लिए बेस्ट ऑप्शन थे और फिर उन्हें कप्तानी सौंपी गई। मेरा रोहित शर्मा के ऊपर विश्वास है क्योंकि वो और एमएस धोनी 5 बार आईपीएल खिताब जीते हैं और ये जीतना आसान नहीं होता। सौरव गांगुली ने आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कोहली की कप्तानी को लेकर ऐसा खुलासा कर दिया। इससे पहले उन्होंने कभी भी इस मामले में अपनी बात खुलकर नहीं रखी थी। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली हार के बारे में भी गांगुली ने बात करते हुए कहा कि भारत की हार निराश करने वाली थी और इस टीम में जोश की कमी दिखाई दी। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारतीय टीम ने हार का डर अपने ऊपर हावी कर लिया था। अगर मैं भारतीय टीम का कप्तान होता तो प्लेइंग 11 में आर अश्विन को जरूर शामिल करता। गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम बेहद शानदार है और इस टीम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हर जगह मैच जीते हैं। ये टीम कंगारू टीम से काफी आगे दिख रही थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उस टेस्ट में हराया था जब विराट कोहली आर अश्विन और रविंद्र जडेजा साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे। इस बार फाइनल में सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से ही थी कि वो जीतेंगे लेकिन पहले दिन के 2 सेशन में भारत पीछे चला गया और इसके बाद रिकवरी हो ही नहीं पाई। गांगुली ने कहा कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का रिस्क नहीं लिया और ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी चूक थी। इस मैच में मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि टीम इंडिया मैच में घुसने की कोशिश कर रही है, ऐसा सौरव गांगुली का कहना था। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अपडेटेड खबरों के लिए बने रहिए क्रिकेट एडिक्टर के साथ।